दोस्तों गूगल फोटोज आजकल के जितने भी फोन आते हैं सभी फोन में दिया होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल फोटोज के अंदर कई ऐसे हिडन फीचर होते हैं जिसे अगर आप इसके अंदर बंद कर देना तो आपके फोन की जो बैटरी है ये दो गुना चलने लगेगी। यानी कि अगर पहले एक दिन चलती थी आपके फोन की बैटरी तो अब दो दिन चलने लगेगी, सिर्फ आपको गूगल फोटोज के अंदर कुछ हिडन सेटिंग को बंद करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको गूगल फोटोज की 5 ऐसी हिडन फीचर बताऊंगा जिसे अगर आप बंद कर देते हैं तो आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को दोगुना कर पाएंगे और लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे सिर्फ एक बार चार्ज करने पर। तो ज्यादा टाइम यहां पर मैं नहीं लूंगा, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको गूगल फोटोज की 5 हिडन फीचर के बारे में बता देता हूं जिसे बस आपको अपने गूगल फोटोज के अंदर बंद कर देना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके फोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गूगल फोटोज को ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करेंगे दोस्तों जो हमारी सबसे पहली हिडन फीचर है वो आप यहाँ पर देखेंगे, जो वीडियोज होती है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने वीडियो पे क्लिक भी नहीं किया, ऑटोमेटिक प्ले हो गया, देख रहे हो। ऐसे ही गूगल फोटोज में जितने भी वीडियोज होंगी ना ऑटोमेटिक प्ले होती हैं। अब जब ये प्ले हो रहा है तो ऐसे में आपको भी पता है कि बैकग्राउंड में आपका प्रोसेसर यूज हो रहा है एंड बैटरी कंज्यूम हो रही है ना, बैकग्राउंड में तो ये सब चल रहा है। तो इसे दोस्तों आपको बंद करना है। इसे बंद करने के लिए सिंपली आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर फोटो सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें दोस्तों आपको कई प्रकार के सेटिंग देखने को मिलेंगे, तो यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है फोटो ग्रिड प्लेबैक, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर दो सेटिंग मिलेगा, तो ये दोनों सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। लाइक यहां पर आप देख लीजिए, अब दोस्तों आप अपना जब भी गूगल फोटोज ऑन करेंगे तो कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब कोई भी वीडियो जो है प्ले नहीं होगी ऑटोमेटिक जब तक आप प्ले नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको अपने गूगल फोटोज के अंदर बंद करके रखना है, जिससे काफी ज्यादा आप अपने फोन की बैटरी को बचा पाएंगे। एंड बात करते हैं गूगल फोटोज की दूसरी हिडन फीचर के बारे में जिससे हम बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों वापस से आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको फोटोज सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहां पर आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे ऊपर ही दिया रहता है बैकअप एंड सिंक। ये जो चीज होती है दोस्तों, आप जब भी अपने मतलब की फोटोज क्लिक करते हो अपने फोन में तो ऑटोमेटिक वो फोटो दोस्तों आपके गूगल फोटोज के अंदर अपलोड हो जाता है। आप अपलोड नहीं करते, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। कोई वीडियो बनाते हैं ऑटोमेटिक वो यहां पर आ जाता है, अपलोड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपने इसे ऑन कर रखा है। इसे अगर आप बंद कर देंगे तो आपके दो फायदे होंगे। एक, आपका इंटरनेट काफी ज्यादा बचेगा। दूसरा दोस्तों, आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा बचेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये जो दिया गया है बैकअप एंड सिंक, इसे आप बंद करके रखिए, हर टाइम इसे ऑन नहीं करना है। इसे आप जब आपको मतलब कि वाईफाई मिले तो ऐसे में आप इसे ऑन कीजिए, फटाफट जितनी भी फोटोज हैं वीडियोज हैं उसे बैकअप कर लो, बैकअप करने के बाद वापस से बंद कर दो। लेकिन अगर आप इसे हमेशा के लिए ऑन करके छोड़ देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके बैटरी लाइफ को काफी ज्यादा ये खराब कर देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसे आपको यहां से बंद करके रखना है। तो ये दूसरी हिडन फीचर है जिसे आपको गूगल फोटोज के अंदर बंद कर देना है। अब दोस्तों गूगल फोटोज की तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए वापस से हमें अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर फोटो सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहां पर आप आएंगे तो दोस्तों आपको नीचे आना है, यहां पर आपको एक पार्टनर शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अभी जो सेटिंग दिया हुआ है ना दोस्तों, जब भी आप अपने फोन में कोई फोटो क्लिक किए या फिर व्हाट्सएप पे आपको कोई भी फोटो आएगा तो ऑटोमेटिक गूगल फोटोज क्या करेगा, आपने जो भी पार्टनर यहां पर ऐड कर रखा है ना उसके साथ शेयर करेगा, समझ रहे हो, उसके साथ शेयर करेगा। तो शेयर में दोस्तों आपका इंटरनेट और बैटरी दोनों यूज होंगे। तो दोस्तों ये भी बोल सकता हूं ना ज्यादा यूजफुल फीचर है, लेकिन हमें हमेशा इसे ऑन करके नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप 1000 फोटो लोगे, कहीं घूमने गए हो, 1000 फोटो आपने क्लिक किया, 1000 फोटो आपके पार्टनर के साथ शेयर करेगा तो आपका पूरा का पूरा डाटा भी खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ जो बैटरी है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसे दोस्तों आपको रिमूव करके रखना है, ठीक है। यहां पर कोई भी पार्टनर नहीं रखना है, यहां पर कोई भी पार्टनर अगर है तो उसे रिमूव कर देना है। अगर दोस्तों वहां पर जैसे कि वापस से हम उसी सेम जगह जाते हैं पार्टनर शेयरिंग में, अगर आपके फोन में ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो समझ जाइए दोस्तों कि आपका यहां पर बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ईमेल आईडी आता है तो ऐसे में दोस्तों उस ईमेल आईडी को आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की हिडन सेटिंग है जिसे आपको बंद करना है, अपना इंटरनेट और बैटरी को बचा
बचाने के लिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे नंबर की हिडन फीचर के बारे में, जो दोस्तों आपके फोन की बैटरी लाइफ को काफी ज्यादा बचाने वाली है। तो उसके लिए वापस से हमें अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर फोटोज सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन करके सेटिंग मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी जो सेटिंग है ना, एक लाइन से ऑन हो रखे हैं। अब ये जब सेटिंग ऑन है तो ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली आपके फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन होगी ही, काफी ज्यादा ड्रेन होगी। तो उसे रोकने के लिए आपको इन सभी सेटिंग को बंद कर देना है। किसी भी सेटिंग को दोस्तों यहाँ से ऑन नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये सभी सेटिंग हमारे किसी भी काम के नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पर जितने भी सेटिंग है ये हमारे किसी भी काम के नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो आपके फोन की बैटरी को काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो अगर आप बचाना चाहते हैं फोन की बैटरी तो इसे आपको बंद कर देना है। ये है दोस्तों चौथे नंबर की इंपॉर्टेंट सेटिंग। अब दोस्तों गूगल फोटोज की पांचवें नंबर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं, जो काफी ज्यादा बोल सकते हो आपके फोन की बैटरी को सेव कराने वाला है। आप लोग जानते नहीं है, अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी तो काफी तेजी से आपके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेटिंग का नाम है दोस्तों लोकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं तो उसके साथ दोस्तों हमारा जो लोकेशन होता है ऑटोमेटिक ऐड होता रहता है। 1000 फोटो क्लिक करोगे 1000 फोटोज में लोकेशन ऐड होगा, और इसमें दोस्तों आपके फोन का जो बैटरी है ये काफी तेजी से खत्म होगा। तो उसे दोस्तों आपको बंद करके रखना है, क्योंकि मैंने खुद इसे दोस्तों ट्राई करके देखा है, काफी ज्यादा बैटरी बचती है। तो उसके लिए यहाँ पर लोकेशन सोर्सेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों ये सेटिंग बंद कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये सेम सेटिंग दोस्तों आप अपने फोन के कैमरा के अंदर भी जाके बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपके फोन की जो बैटरी है ये काफी हद तक बचने लगेगी जब भी आप गूगल फोटोज को इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कर करके मैंने आपको काफी सारे एप्लीकेशन के ट्रिक बताए हैं, जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आप अपने फोन की जो बैटरी है इसे 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।